ये दराज से मिलते हैं ऑनलाइन, मैंने पाव मंगवाए हैं मशीन के, ये मशीन के नीचे रखते हैं। वो कहते हैं कि इससे मशीन जो है वो जंपिंग नहीं करती, टापती नहीं है। ये देखें, ये कुछ इस तरह के हैं, ये निकले हैं। पता नहीं अब ये कामयाब हैं कि नहीं, क्योंकि मेरी मशीन ऑटोमेटिक है और वो जब मैं उसमें कपड़े धोती हूँ तो वो छलांगे मार मार के कहाँ चली जाती है। तो अब ये 4 है, ठीक है। अब मैं ये इसको मशीन के नीचे रखूँगी, फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी कि ये वाकई कामयाब हैं या ऐसे ही उन्होंने पैसे ले लिया मुझसे। अच्छा, ये मैंने मशीन के नीचे फिट करवा दिए हैं। टेक्नीशियन बुलाया था मुझसे, तो नहीं मशीन उठाई जा रही थी, बहुत हैवी मशीन है ये, आप देख सकते हैं इंपोर्टेड है। तो ये बहुत छलांगे मारती थी क्योंकि फर्श का बैलेंस नहीं है। तो फिर ये मैंने दराज से ऑर्डर किए और फिर मैंने मशीन चलाई और उसको मैंने तकरीबन कोई आधा घंटा मेरे पास खड़ी रही कि शायद ये भी जंप करे तो मुझे इसको ऑफ़ टर्न ऑफ करना पड़े। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से ये दराज पर मिलते हैं। तो 500 इसकी प्राइस है। और फिर ऐसे मैंने सर्फ वगैरह डाल के, कपड़े डाल के मशीन ऑन कर दी है। मैं इसके पास खड़ी हूँ कि अगर ये जंपिंग करेगी तो मैं इसको ऑफ करूँगी, लेकिन काफ़ी सारे टाइम गुजरने के बावजूद मशीन ने कोई जंपिंग नहीं की। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के रिव्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ जो हाउस होल्ड चीज़ें घर के लिए बड़ी कारामद होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर कोई बाय करना चाह रहा है तो मेरी तरफ से तो रेकमेंडेड, आप ज़रूर बाय करें। अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या कोई भी रेगुलर वॉशिंग मशीन के नीचे रखें तो जब स्पिनिंग भी आती है मशीन तब जंप करती है। तो अगर आप ये पैड रख देंगे उसके नीचे तो फिर वो जंप नहीं करेगी और इजीली आपकी वॉशिंग जो है वो हो जाएगी। ये काफ़ी सारा टाइम मैंने आपको शो कर दिया है।